हेलो 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 आवाज जा रही है चला आवाज जा रही है तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज ब्रह्मास्त्र की पहली कक्षा और लेट हो गया इसलिए क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम थी यहां इंटरनेट का दिक्कत था इसलिए लेट हो गया है तो इसके लिए हम सॉरी हैं लेकिन कल से कोशिश करेंगे हम आपको दस पंद्रह में आपका क्लास लाइव होगा कल से हम आज आपको शेड्यूल भी बता देते हैं और क्लास की टाइमिंग भी बता देंगे कब कौन सी क्लास आपकी चलने वाली है तो हम चलते हैं आ, सीधा सीधा सीधी बात नो बकवास पहले प्रश्न की ओर चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है जो पिछले बार स्क्रीन दो वहां स्क्रीन नहीं है है हेलो 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 ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पहला प्रश्न है जो पहला प्रश्न है आपका वो है एएलपी टेक्नीशियन का एल पी 2018 दो हजार अठारह का यह प्रश्न है दो हजार अठारह का कहता है क्या एक पिकोग्राम ग्राम कितने के बराबर होगा तो हमको पता है इक्वल बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा जल्दी से बता दो 10 टू दिपाव माइनस सिक्स ग्राम टेन वाइनस ट्वेल्व ग्राम टें पंद्रह ग्राम टेन वाइनस नौ ग्राम हमेशा ध्यान रखिएगा ए से जिसका अंत होगा वो पॉजिटिव होगा ओ से जिसका अंत होगा वो निगेटिव होगा एकदम ध्यान रखना जैसे माइक्रो माइक्रो निगेटिव होगा पिको निगेटिव होगा मेगा पॉजिटिव होगा मेगा पॉजिटिव होगा यूट्यूब पे चला सर्वर के प्रॉब्लम हो गया क्या सर्वर में कुछ दिक्कत है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है इसलिए यूट्यूब पे क्लास लाइव हुआ है सर्वर मेंटेनेंस में है इसलिए यूट्यूब पे क्लास लाइव करना पड़ा है मजबूरी में जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर एक पिकोग्राम बराबर कितना एक पिकोग्राम बराबर कितना जल्दी से बता दो व्हाट इज आंसर जल्दी बता एक पीको पीको बराबर होता है टेन टू दी पावर माइनस बारह यहां पीको मीटर नहीं है ग्राम है तो एक पीको ग्राम बराबर हो जाएगा टेन टू दावर माइनस बारह ग्राम एक पीको ग्राम बराबर हो जाएगा टेन टू दावर माइनस बारह ग्राम एल पी टेक्निशियन ने नैनोमीटर शायद पूछा था नैनोमीटर क्या होगा वो पहला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है वन पीको ग्राम इज इक्वल टू होगा टेन टू दी पावर माइनस बारह ग्राम ये हो जाएगा चला फेमटोग्राम ये हो जाएगा फेमटोग्राम ये हो जाएगा नैनोग्राम हम लोग मीटर में पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा है वो हमने दिया है ये हो जाएगा माइक्रोग्राम और ये तो आपका पिको ग्राम है ये है ये पिको है ये है तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा अभी तक आप पिको मीटर पढ़े होंगे ये पिको में भी सेम रहेगा इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा जैसे चला वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है ट्वेंटू माइनस सिक्स मीटर तो वैसे ही वन माइक्रोग्राम बराबर भी होगा टेन टू पावर माइनस सिक्स टू टू ट्वेंटी वन माइक्रोग्राम भी अगर होगा टू माइनस सिक्स ग्राम होगा इसको देख लो बढ़िया से हम लोग मीटर में पढ़ते हैं ग्राम में आपका वेरिएशन दिया हुआ ये क्वेश्चन टी सी एस दो हजार बीस में पूछा है बीस इक्कीस में अगला प्रश्न अगला जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कहता एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो ये हमेशा ध्यान रखना टीसीएस 2020 का क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है एक माइक्रो एक माइक्रोमीटर एक माइक्रोन जब ये कह दिया अंचला माइक्रोन कह दिया मतलब ये माइक्रोन नहीं है ये माइक्रोमीटर है ध्यान रखना तो वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू मीटर होता है इसको अगर मिली में इसको हम लिख सकते हैं हैं मिलीमीटर एकदम चैप्टर वाइज है पहला चैप्टर है ये इसी को लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो से लिख लो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा डी फोर डॉग इज द राइट आंसर देख लो बढ़िया से

एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 1.495 फोर इंटू टेन टू दावर एलेवन मीटर माइनस इलेवन मीटर माइनस एलेवन मीटर वन लाइट ईयर वन लाइट ईयर इसमें चला यूनिट पहला चैप्टर है ये यूनिट एंड डायमेंशन वन लाइट ईयर बराबर होता है पावर माइनस पंद्रह मीटर आज के लिए चला एकदम हम सॉरी है कल कोशिश करेंगे कि कल से आपका क्लास दस बजकर पंद्रह मिनट में स्टार्ट होगा क्योंकि तो चला ऑलरेडी क्लास रहता है नौ से दस में तो पंद्रह मिनट का गैप तो लेवे करेंगे वन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस सोलह मीटर ग्यारह पंद्रह सोलह अब देखो बढ़िया से देख लो इसको Uh, कहते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फोर नाइन फाइव इंटोन माइनस सेवन मीटर वन लाइट ईयर इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर इंट नई माइनस पंद्रह मीटर वन पार्सेक इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो इंटूट सिक्सटीन मीटर अब हमको कोई बताओ चला जल्दी से कि आंसर क्या हो जाएगा अब यहां जब तुम बढ़ोगे तो आंसर तुमको बताओ क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर जल्दी बताओ 9.46 पावर 15 मीटर हो जाएगा यहां माइनस पंद्रह मीटर हो जाएगा यहां पर चला सब यूनिट प्लस में होगा अब देखो कैसे लंबी दूरी का है तो लंबी दूरी का मात्रक कभी माइनस में हो सकता है क्या लंबी दूरी का जब भी होगा प्लस में ही होगा लंबी दूरी कभी माइनस में नहीं होगा छोटी दूरी होगा तो वो माइनस में होगा वो कभी प्लस में नहीं होगा टेन टू दी पावर में ये ध्यान रखना देखो हम भी माइनस 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 लिखे थे लेकिन लंबी दूरी की अगर बात करोगे तो लंबी दूरी हमेशा प्लस में होगा और छोटी दूरी जैसे माइक्रोन है वो माइनस में होगा अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा वाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटूट पंद्रह मीटर इज द राइट आंसर नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दावर पंद्रह मीटर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कहते एक पार्शिक एक पारसेक बराबर बताओ 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा? न, आंसर बताओ क्या हो जाएगा देख लो चला 2018 के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ था डायरेक्ट लड़ेगा यही है आंसर बता दो क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर बता एक पार्षे बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष एवं ध्यान रखना खगोलिया मात्रक हम एकदम पूरा का पूरा कोर्स चला तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा खगोलिया मात्रक जो होगा खगोलिया मात्रक की अगर हम बात करें तो एकदम यही एगो चला क्वेश्चन का सीरीज है जिसको कहते हैं ना तुम लोग की शॉर्ट में बता दीजिए सर कौन लड़ेगा कौन आएगा कौन एवे करेगा इस सब महाभिबियाई में है जो क्वेश्चन हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं जो या मैथ में भी जो क्वेश्चन आएगा जो रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन आएगा खगोलिया मात्रक जो है चला लिख लो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को यही नापता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है और अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की सामान्यतः अगर कहेगा लंबी दूरी को कौन नापता है तो प्रकाश वर्ष नापता है सामान्यतः सामान्यतः लंबी दूरी लंबी दूरी नापता इसमें चला जो वैसे वैसे प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है जो बहुत बार पूछा जाता है जो बहुत बार पूछा जाता है और जो भी है और जो टफ है ये तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मिलेंगे तुमको देख लो वन खगोलीय मात्रक बराबर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापते हैं प्रकाश वर्ष सामान्यतः लंबी दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष सामान्यतः लंबी दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष जो है ये लंबी दूरी को नापता है प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को नापता है खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है और प्रकाश वर्ष सामान्यतः लंबी दूरी को नापने के लिए सामान्यतः बड़ी दूरी को नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं जो बच्चे ऐप पर हैं वो YouTube पे चले जाइए क्योंकि ऐप मेंटेनेंस में है अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको तो जो लोग ऐप पे हैं चले जाइए आप लोग YouTube पे YouTube पे लाइव हैं हम जो लोग ऐप पर हैं YouTube पे चले आइए अगला प्रश्न देखो तो एक पार्षद थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष सब एकदम चला फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में जाओगे झलकेगा आई देख लो आर ग्रुप डी दो का प्रश्न है ये अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है ऐसा महा भीबिया एकदम याद रखना हम बोले बार बारह रहे हैं। यही एक सीरीज है जो तुमको हंड्रेड परसेंट जो है, वो देखने को मिलेगा कहते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो मेरे दोस्त आपेक्षिक घनत्व की सब फिक्स क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज है अभी तो इजी चैप्टर है लेकिन आगे चल के सब जितना टफ टफ चैप्टर है सब आ जाएगा और टॉपिक वाइज न्यूमरिकल भी आगे आएगा आपेक्षिक घनत्व है आपेक्षिक आर्द्रता है आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक आदरता उसके बाद घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक घर्षण गुणांक, उसके बाद और कौन चला आवर्धन घर्षण गुणांक आवर्धन आपेक्षिक घना तो आपेक्षिक आद्रता घर्षण गुणांक आवर्धन विकृति इतने है ये है इससे ज्यादा नहीं है पांच गो है हमारा अगर नहीं पूर्ता है तो हम गिन लेते हैं पांच गो हुआ के नहीं तब और याद करते हैं विकृति हो गया विकृति 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 इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि एक क्वेश्चन यहां से करेगा। मात्रकहीन तथा बीमाहीन है मात्रकहीन तथा बीमाहीन एकदम चला इसको ग्रंथ बना लो कि हमको इतना पढ़ना ही पढ़ना है कहते हैं अपेक्षिक गणत्व आपेक्षिक तो आदरता आप घर्षण गुणांक आवर्धन और विकृति सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है हाँ ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा भाई जो अभी थोड़ा सा सर्वर का इश्यू है तो इसलिए आज की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी तो आप सभी लोग जो बच्चे ऐप पर हैं यूट्यूब पे चले जाइए एसके यूट्यूब चैनल पे वहां आपको क्लास मिल जाएगी अभी जो चल रही है वहां भी कहते हैं निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है तो देख लो आपेक्षिक घन तो आपेक्षिक आद्रता घर्षण गुणांक का आवर्धन और विकृति इस सब क्या मात्रकहीन और विमाहीन दासियत सापेक्षिक घन देख लो दो हजार अठारह के ग्रुपडी में ये क्वेश्चन पूछा था अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा देखो एक चीज का और यहां ध्यान रखना जल्दी से इसको लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते hmm, मेरी जिंदगी है जल्दी से आप लोग चले आइए चला जी और अगले का आंसर बताइए दाब के बारे में हमेशा ध्यान रखना दाब एक अधिस राशि है अगर पूछे जो पूछेगा उसकी बात करो दाब एक अधिस राशि है इसका बीमा पूछेगा दाब बराबर बल, बल बटे क्षेत्रफल होता है न्यूटन बट मीटर स्क्वायर न्यूटन बट मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है न्यूटन का हो गया के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप बट मीटर स्क्वायर इसका यूनिट निकालोगे वह जाएगा के जी देख लो दाब बराबर बल बटा अच्छा बल न्यूटन बटा मीटर बट स्क्वायर और यहां से अगर हम आ, मीटर स्क्वायर की बात करें तो मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा माइनस दो तो मीटर पावर माइनस वन और सेकेंड पर पावर माइनस टू इसका बीमा निकालोगेस वन तो, आर टी माइनस टू एम एल माइनस वन आर टी माइनस टू तो आंसर इसका देखो दुए को बात पूछेगा ये सदी सी अदीश है कहेंगे अधिस राशि है और अगर आपको कहेगा कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसकी बीमा हो जाएगी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल देखो चला यह, मात्रक और बीमा भी फिक्स का ही पूछता है जकर जगह पूछता है उसी उसी काम दिए हैं ये नहीं कि सब का दे दिए हैं जे जे पूछता है महाभिव्या उस सब हम बता देंगे ग्यारह पंद्रह है रीजनिंग बारह पंद्रह है मैथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा घनत्व तो की अगर हम बात करें चला घनत्व घनत्व तो तो देखो आपेक्षिक घनत्व तो और घनत्व तो में अंतर है यह हमेशा ध्यान रखना बच्चा एकदम कंफ्यूज नहीं होना आपेक्षिक घनत्व एकदम आज का चैप्टर थोड़ा सा आसान मिलेगा तुमको लेकिन इसके जो अच्छे अच्छे प्रश्न है वो तुमको हम पढ़ा देंगे इसके जो अच्छे चूंकि डायमेंशन ये पहला चैप्टर है आपेक्षिक घनत्व तो जो है ये मात्रकहीन है ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है लेकिन वहीं अगर घनत्व तो दे देगा तो घनत्व तो नाप को अगर की अगर हम बात करें तो घनत्व तो की द्रव्यमान बटा आयतन हो चाहे के जी पर मीटर क्यूब इसका बीमा हो जाएगा मात्रक हो जाएगा जैसे चला अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व तो की तो ये मात्रकहीन हीन है लेकिन अगर घनत्व तो की बात करेगा तो केजी पर मीटर क्यों हो जाएगा क्योंकि घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व तो बराबर बटा आयतन होता है बढ़िया देख लो जो बच्चे ऐप पर है, हैं यूट्यूब पे लाइव है हम ऐप पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा होगा तो आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए नहीं नहीं आज भर ऐप पर है आज भर ही ऐप पर क्लास है

कोई इकाई नहीं है सापेक्षिक घनत्व सापेक्षिक घनत्व तो भी आपेक्षिक घनत्व तो भी एक है सापेक्षिक घनत्व तो बोलो या अपेक्षिक घनत्व तो बोलो एक ही है अगला प्रश्न ऊर्जा का मात्रक होता है आ कितना बढ़िया क्वेश्चन है देख लो ऊर्जा का मात्रक है तो मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखना कि वन ऊर्जा का मात्रक सबसे पहली बात तो जूल होता है इसमें कहीं कोई झोल नहीं है लेकिन लड़का को जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा ऊर्जा का मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है लड़का खट से मार देगा जूल जो कि महा गलत है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर भी है ऊर्जा का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी है अब बोलो कैसे ऊर्जा का मात्रक ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक ऊष्मा का मात्रक ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक ऊष्मा का मात्रक ये सबका मात्रक जूल है आई जूल की अगर बात करोगे तो कार्य W बराबर होता है एफ एस एफ एस तो एफ एस थीटा होगा तो एफ का हो जाएगा न्यूटन s विस्थापन है तो मीटर तो यह हो जाएगा न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर है न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर बराबर होता है Fs बोले तो न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर भी किसके बराबर है जूल के बराबर है इसका मतलब न्यूटन मीटर जो है ये भी जूल के बराबर है और इसको और तोड़ोगे तो न्यूटन मीटर को और तोड़ोगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा न्यूटन का हो जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आज जूल का मीटर का हो गया मीटर तो ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ये हो जाएगा जूल के बराबर तो देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी जूल के बराबर न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर जूल तो जूल के बराबर है ये है सभी हो जाएगा आंसर एक चीज और ध्यान रखना वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह भी जूल के बराबर होता है 1.6 टू जूल भी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है और याद रखना यह भी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स जूल के बराबर है यानी किलो वाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है न्यूट्रन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है के मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी ऊर्जा का मात्रक है और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है भी ऊर्जा का मात्रक है अब देख लो चला इसका मतलब ये अगर हम ऊर्जा के मात्रक मात्रक की खाली बात करें तो खाली जूल ने पढ़ना चला ऊर्जा खाली ऐसा है, देखो। जूल है एक लाइन में अगर लिखें न्यूटन मीटर है और अगर लिखें के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है और अगर लिखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और अगर लिखें किलो आवर है इससे बाहर त्योहार क्वेश्चन जाएगा नहीं इससे बाहर त्योहार क्वेश्चन जाने मोहब्बत हमार जाएगा नहीं आगे ये दुनिया अरे बाबू जल्दी से लिख लो देख लो इसके बाहर चला आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा आज चला कुछ सर्वर का इश्यू है इसलिए आज की जो तीनों क्लास है पहली क्लास है भी तो बच्चे आज का जो क्लास है वो यूट्यूब पे ही आपका चलेगा पता नहीं सर्वर ठीक हो गया है या नहीं हुआ है तो आप जो बच्चे ऐप पर हैं ऐप पे कमेंट्स कीजिए क्या आप सर्वर आपका ठीक हुआ आप क्लास चल रहा है ठीक से जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर ऊर्जा का मात्रक देख लो जूल न्यूटन मीटर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन बोल्ट किलो आवर इस सब ऊर्जा का मात्रक आंसर निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशियों का समान टीसीएस का 2022 का क्वेश्चन है चला ग्रुप डी में पूछा था किसका आ, समान है आ, तो ये ध्यान रखना देखो हम तो लिख देते हैं बल बल का 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 भार का, चाल का, वेग का। यही एकदम चला डिटो क्वेश्चन यही आएगा इसलिए बढ़िया से पढ़ लो बल का भार का चाल का वेग का उसके बाद संवेग का संवेग का आवेग का ऊर्जा का का, इस सब का मात्रक और बीमा समान देख लो इसका मात्रक होता है न्यूटन इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा जूल इस सब का इतने पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा इस सब का मात्रक और बीमा समान होता है जल्दी बताओ आंसर निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है तो देख लो बल और दाब का तो एकदम नहीं है क्योंकि दाब का होता है बल बट क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का ही है भार और बल का ही है, आवेग और संवेग का ही है आंसर देख लो तुम्हारे सामने है हाँ एगो देखो और बच्चा लिख रहा है दूरी और विस्थापन का वेरी गुड इचला अंतिम है तुम अगर हमको कहोगे झा सर आप हमको बता दीजिए जल्दी से रेलवे में कौन कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा तो हम कहेंगे बाबू रे ये ब्रह्मास्त्र का जो बुक है ये देख लो इतने तो से क्वेश्चन पूछा जाता है ये बुक नहीं आया है तीन महीना हो गया मुर्दापुर ए, मुरादाबाद के जगह मुर्गाबाद लिख दोगे तो कैसे जाएगा अब बाकी सब लोगों का बुक चला पहुंच गया होगा जल्दी बताओ कितने लोगों का चला इमा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों का बुक जो है आप ऑर्डर किया हमारे ऐप से और पहुंच गया एक टाइप कीजिए जिनका इनका बुक पहुंच गया एक टाइप कीजिए। देखो हजारों बच्चों का बुक पहुंच गया तुम्हारा क्यों नहीं पहुंचा इसलिए कि तुम मुरादाबाद की जगह मुर्गाबाद एड्रेस देते हो आठ नौ डिजिट का तुम्हारा पिन कोड हो जाता है जल्दी बताओ बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है बल आघूर्ण बराबर होता है चिला। अगर आप पढ़े होंगे बल आघूर्ण और चिला क्वेश्चन आपको जो टफ टफ क्वेश्चन है वही मिलेगा दो 2018 का क्वेश्चन है बल आघूर्ण की अगर हम बात करें बल आ गुना होता है बल बाहु बल गुना बल बाहु आप पढ़े होंगे बल आघुण बराबर बल गुना बल बाहु टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन आ, मीटर आंसर बताओ तो जल्दी से क्या हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है इस सदीश राशि है या एक सदी राशि एकदम सदीश राशि है, सदीश है? आ, न्यूटन मीटर इसका सही मात्रक एकदम है बल गुना आघूर्ण भी सही है सभी आ जाएगा आंसर सभी इज द राइट आंसर देख लो इतना बच्चा का बुक पहुंच गया सभी इज द राइट आंसर क्योंकि बल आघूर्ण में बल है तो बल है तो ई सदी, सदी भी सदीश हो जाएगा बल है तो चला ईस भी सदीश हो जाएगा Uhn... अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा समान द्रव्यमान के दो पिंडों का रेखिय संवेग का अनुपात दो अनुपात तीन है तो इन पिंडों के गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा देख लो ये चला थोड़ा सा क्वेश्चन अगर गड़बड़ है रेखिया संवेग का अनुपात दो अनुपात तीन है रेखिया संवेक का अनुपात यानी P1 वन बट पी टू बराबर दो बट तीन बहुत बढ़िया बात देख लो रेखिया संवेग का अनुपात दो अनुपात तीन है समान द्रव्यमान का द्रव्यमान को आ रहा है समान तो इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा एकदम नहीं डरना है काइनेटिक एनर्जी वन आप काइनेटिक एनर्जी टू इज इक्वल टू तो हा पी स्क्वायर बाय टू एम फॉर्मूला होता है ना हाफ एम बी स्क्वायर और स्क्वायर बाय टू एम यहां से संवेग दिया हुआ है इसलिए पी स्क्वायर आप बटक टू एम, एक हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम। आई कट जाएगा चूंकि पी वन स्क्वायर स्क्वायर बाई पी टू स्क्वायर हमको दे दिया है पी वन बटर पी टू दो बटर तीन तो दो बटन तीन का होल स्क्वायर और दो बटन तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा चार बटन नौ इज द राइट आंसर तेरी चाहते हैं जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर बुक पर मिलेगा बुक चला आपको बुक स्टोर पे चले जाइए बुक स्टोर पे जाइएगा बोलिएगा एल पी टेक्निशियन का ब्रह्मास्त्र दीजिए जो एकदम ग्रुप डी में भी काम करेगा और नहीं तो हमारा जो ऐप है ऐप खोलिएगा ऐप का नाम है आस ऑफिशियल ऐप का नाम है आस ऑफिशियल ऐप आस ऑफिशियल ऐप खोलिए यहां पर आप जाइएगा बुक का ऑप्शन मिलेगा बुक का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद आपको बुक परचेज का ऑप्शन मिल जाएगा आठ से दस दिन में बुक पहुंचेगा आप तक आ दुकान से लीजिएगा तुरंत मिल जाएगा और जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं यहाँ पर रेलवे एग्जाम में जाएंगे ऐप खोलने के बाद रेलवे एग्जाम में आपको ये कोर्स मिल जाएगा तीनों फिजिक्स मैथ साइंस रीजनिंग तीनों लीजिएगा दो सौ निन्यानवे कोई एक लीजिएगा निन्यानवे टका तीनों लीजिएगा तो दो सौ निन्यानवे 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 एक गो लीजिएगा तो निन्यानवे टका उत्तराखंड हाँ उत्तराखंड हाँ, क्या भारत में कहीं भी बुक आ जाएगा कंडीशन सप्लाई टाइम लगेगा कोकियाना ने है हो गया अरे हुआ P1 वन बटे पी टू बराबर हो जाएगा दो बटे तीन इज द राइट आंसर किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है आ किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है देखो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल है लेकिन मामला तनी गड़बड़ है ये क्लास डेली होगा डेली होगा ये आपका ये क्लास पता ये आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर कहते हैं किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है तो मूल इकाई दिया है मीटर प्रति किलोमीटर मीटर प्रति घंटा मीटर प्रति मिनट मीटर प्रति सेकंड व्हाट इज द आंसर देखो एकदम क्वेश्चन में कोई जान नहीं है खाली पूछने का तरीका अलग कर दिया है आंसर हो जाएगा एकदम गति की मूल इकाई जो है मतलब ये एसआई मात्रक की बात कर रहा है मूल इकाई मतलब एसआई मात्रक का ये होता है चला मीटर प्रति सेकंड आंसर अब देखो चला गति दो प्रकार की होती है गति एक होता है चाल अगर चाल है एक होता है वेग एक होता है चाल इसमें बड़ा झोल है अगर सीढ़ा मेढ़ा चलेगा तो चाल और सीधा चलेगा तो वेग तो अगर आपको कह देगा चाल क्या है तो चाल एक अधिस राशि है क्योंकि इसकी निश्चित दिशा नहीं होती अगर कह देगा वेग क्या है तो वेग एक सदीश राशि है वेग एक सदीश राशि है चलो तो गति दो प्रकार का है एक चाल ये कुछ हाँ क्लास की टाइमिंग बता देंगे गति दो प्रकार की एगो चाल और एको वेग चाल एक अधिस राशि है वेग एक सदी राशि है गति दो प्रकार की एको चाल और एगो वेग चाल कौन राशि है चला राशि है वेग क्या है सदी राशि अगर गति खाली पूछेगा तो ये चाल जो है इसका मतलब अगर तुमको दोनों में से कंफ्यूजन हो जाए तो कभी कभी रफली चाल गति को भी चाल कहते हैं यानी जो चाल है इसको गति भी कहते हैं ये ध्यान देना चला जैसे अगर वैसे गति दो प्रकार के चाल एगो वेग अब ये क्वेश्चन का है पूछ रहे हैं सर अगर क्वेश्चन कभी कभी कह दे कि निम्न में से कौन अधिस है अधिस है एगो वेग दे दे गति दे दे तो गति मारिएगा क्योंकि गति एक प्रकार का चाल है गति एक प्रकार का क्या है चाल है आंसर जल्दी बताओ वैसे गति दो प्रकार की एगो चाल और एगो वेग जैसे इसमें आपको क्वेश्चन कह दे अधिस राशि है अधिस राशि है अधिस राशि है एक ऑप्शन दे दे तुमको वेग आ दूसरा ऑप्शन दे दे तुमको चाल आ तीसरा ऑप्शन दे दे तुमको गति क्या मारिएगा बोलिए गति तो दो प्रकार का होता है एगो एक चाल एगो एक वेग तो गति तो होगा नहीं आंसर अब वेग अध है नहीं तो बता दीजिए आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा वट इज आंसर हाँ, ग्रेड वन जो है ना चला ग्रेड वन में आज से तुम्हारा लग जाएगा टेक्नीशियन टेक्निकल क्लास आज से तुम्हारा टेक्निकल का क्लास लग जाएगा जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा चाल इज द राइट आंसर चाल इज द राइट आंसर क्या मारोगे आंसर डी मार दिया चाल इज द राइट आंसर इज द आंसर चाल इज द राइट आंसर अगर तुमको कह दे गति दो प्रकार का चाल वेग चाल की भी अगर बात करें तो इसमें इसको कभी कभी गति भी लिख देते हैं इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा पीडीएफ कैसे मिलेगा पीडीएफ भी हम डाल देते हैं और बुक भी चला बुक थोड़ा सा मंगवा देना तीनों वेबर प्रति तीनोंकेंड बताओ चला किसका मात्र है वेबर प्रति सेकेंड डैश के बराबर है टीसीएस दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है किसका मात्र है जल्दी बताओ hmm, जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर वेबर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? देखो अगर फेराडे का नियम आप पढ़े होंगे तो ई समानुपाती होता है डी फाइ आप बाई डी टी हम बोले ना आपको एकदम टॉप लेवल के सवाल भी मिलेंगे बेसिक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो भी मिलेगा जैसे अगर आपको कहेगा ई e समानुपाती होता है डी फाइव बाई डी टी डी बाई डी टी तो डी फाइव बाई डी टी होगा तो फाइव का हो गया वेबर फाइव फ्लक्स है का हो गया, वेबर? आप is, वेबर किसका मात्र रख e काफ e क्या है ई एम एफ है इसका मात्रक होता है बोल्ट ई समानुपाती डी फाइव बाई डी टी डी बाई डी टी बोले तो वेबर आटर सेकंड यूनिटेड डायमेंशन का सवाल है चला जो पूछा है वेबर बटर सेकंड वेबर बटर सेकंड बोल तो वोल्ट इज द राइट right आंसर जल्दीली हमारा डी मार दिया रे कूलंब तो आवेश का मात्रक है रे अरे पगला कूलंब किसका मात्रक है आवेश का मात्रक है कूलंब किसका मात्रक है आवेश का मात्रक है ओम भी नहीं होगा एंपियर भी नहीं होगा कत आपके पैरों में सिर रखकर प्रणाम करता हूं जी जनाब एकदम नमस्कार है खूब मन लगा के पढ़िए अगला किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए नि... निम्नलिखित में से कौन सा सही देखो ये चला का क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछ नहीं है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है जो होता है मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है क्वेश्चन खाली घुमा दिया है क्वेश्चन को आ रहा है किसी पदार्थ की 2018 का क्वेश्चन है ग्रुप डी का किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई है, है? जल्दी से बता दो व्हाट इज आंसर आंसर हो जाएगा मोल कैंडिला सबको पता है ज्योति तीव्रता का खाली लैंग्वेज गड़बड़ा दिया है बाकी क्वेश्चन सेम है ज्योति तीव्रता का मात्रक है मीटर होगा नहीं कैल्विन ताप का ऐसा ही मात्र है ताप का ऐसा ही मात्र केलविन है पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त करते हैं मोल में पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं क्वेश्चन दे दिया किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका कौन सी एसआई मात्रक ये बात ध्यान रखिएगा चला एसआई मात्रक को क्वेश्चन जो आप पूछ रहा है इसको मूल इकाई भी कहता है एसआई मात्रक को मूल इकाई भी कहता है एसआई मात्रक को क्या कहते हैं चला मूल इकाई भी कहते हैं एकदम सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ चला इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाना चाहिए हम ए टू जेड टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे न्... अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई देख लो चला सबको पता है किलो वाट अवारी पूछवे करता है आरिफ रे बाप देखो गड़बड़ी हो गया गड़बड़ी हो गया तुम मारो गया गलत हो गया 2018 का क्वेश्चन है मारो गया देखो गलत हो गया किलोवाट प्रति घंटा दे दिया गलत है अरे बाप रे बाप चला एकदम ध्यान से किलो आवर होता है व्यवसायिक मात्र मतलब जो होता है अभी तुरंत का किलो आवर होता है इतना चला हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि तुम्हारा ए टू जेड क्वेश्चन तुम्हारे साथ तुम्हारा काम हो जाएगा एकदम चला उतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको आंसर बताइए लड़का जो अगर मारेगा वाट घंटा भी चला ऊर्जा का मात्रक है लेकिन व्यवसायिक मात्रक नहीं है वाट घंटा भी जूल के बराबर होता है और ये ऊर्जा का मात्रक है वाट प्रति घंटा नहीं होगा कि यहां दे दिया किलोवाट प्रति घंटा तो इसको ध्यान से रखना है एकदम सी नंबर इज द राइट आंसर जल्दी लिख वाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक मात है लेकिन व्यवसायिक मात्रक वाट आवर नहीं है व्यवसायिक मात्रक वाट आवर नहीं है अगला प्रश्न थर्मोडाइनेमिक्स तापमान का ऐसा ही मात्र इन लड़का को पता नहीं सेल्सियस से बड़ा प्यार होता है लेकिन आंसर हो जाएगा Kelvin. हम लोग हर जगह डॉक्टरी डॉक्टरी ताप ताप जो है ताप मापी अगर कहेगा किसमें नापता है तो कहेंगे Fahrenheit में Radian में रेडियन अगर हम बात करें तो कौन को नापा जाता है रेडियन में कहते हैं चला थर्मोडाइनेमिक्स तापमान का ऐसा इकाई निम्न में से कौन है तो थर्मोडाइनेमिक तापमान का ऐसा इकाई जो है केलविन है सेल्सियस ने मार देना फेरहाइट डॉक्टरी तापमापी को नापते हैं फेरन में अगला अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत की तापमान का मूल एसआई, देखो यहां मूल कर दिया ना। मूल है, गति की तापमान का यह हमेशा ध्यान रखिएगा चला हम बार बार कहते हैं बच्चों को कि बाबू सोना उष्मा और ताप में अंतर है उष्मा का एसआई मात्रक कहेगा सीजीएस मात्रक कहेगा दोनों अलग अलग बात है एसआई SI मात्रक कहे या सीजीएस मात्रक कहे उषमा का एसआई SI मात्रक होता है मेरी जान जूल सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी ताप का एसआई SI मात्रक होता है और इसका सीजीएस मात्रक होता है डिग्री सी जल्दी से लिख लो यहाँ तापमान का मूल एसआई SI मात्रक कह रहा है केल्विन ताप और उषमा अलग अलग है एकदम प्रॉपर वे में ध्यान रखना ताप और उष्मा अलग अलग है कौन सा गति की तापमान का मूल ऐसा मात्रक है, मा है। तापमान का मूल यानी है डिग्री सी है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है सीजस मात्रक कैलोरी है एकदम ताप और उष्मा को अलग अलग रखना चला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्या लिख रहा है इचला आप नंबर दे दीजिए तरुण पेटियडर जी जिनका आईडी है आप अपना नंबर मैसेज कीजिए हम टीम लगा हुआ है आपका नंबर नोट करके आपको फोन कर लेगा अगर एक दो बच्चों की बुक चला नहीं पहुंच पाई है तो आप जल्दी मैसेज कर दीजिए आपकी बुक पहुंच जाएगी जल्दी देख लो ये एकदम क्लियर रखना उसमें कैसे मतलब जूल सी कैलोरी ताप कैसे मतलब कैलोवीन सीजीएस तक डिग्री सी आय हाय बता किसका मात्रक है चुंबकीय प्रवाह का विद्युत चालकता का धारिता का किसका मात्रक होगा रे चुंबकीय प्रवाह घनत्व का कि चुंबकीय प्रवाह का जल्दी बता आ, जल्दी बता तरुण पेडियट पेटियोडर जी आप अपना नंबर मैसेज कीजिए जल्दी बता टेस्ला किसका मात्रक है देखो इस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्र क्या चुंबकीय क्षेत्र कह दे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दे इसका ऐसा ही मात्र हो जाएगा टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा गॉस आ एक टेस्ला बराबर हो जाएगा टेन टू पावर फोर गॉस इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय प्रवाह घनत्व जल्दी लिख आई सब क्वेश्चन चला पूछा हुआ है तो खाली बल कैसे मतलब न्यूटन पढ़ के जाओगे तो नहीं बनेगा एकदम ध्यान रखना हम चलो सब आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको जुड़ना है चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चुंबकीय प्रवाह घनत्व इसका ऐसे मात्र टेस्ला इसका सीजस मात्र गॉस टेस्ला वन टेस्ला इज इक्वल टू टेन टू दावर फोर गॉस ना फोर गॉस इस लेवल के क्वेश्चंस आपको चला पढ़ने होंगे अगर आप पढ़ना है तो इस लेवल के क्वेश्चन रिकॉर्डेड भी मिलेगा भाई ऐप पे ये क्लास आज तो यूट्यूब पे भी रह जाएगा देखो चला हम बताते हैं आ, क्या मामला है आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे मामला क्या है और आप कैसे आप कहिएगा सर आप हमसे फीस ले रहे हैं जिस सर हम आपसे फीस ले रहे हैं निन्यानवे रुपया में हम आपको पूरा का पूरा साइंस का डिस्कशन करवाएंगे मैं और मेरी टीम आपको कंप्लीट ये डिस्कशन करवाएगी हम बता देते हैं कैसे तीन बुक है चला कहां है बुक देखें ये तीनों बुक हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये तीनों बुक को पढ़ने के लिए हम ये क्लास दिए हैं ये तीन बुक है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ रीजनिंग और साइंस क्योंकि रेलवे में यही तीनों चीज इंपॉर्टेंट है मैथ रीजनिंग और साइंस ये तीनों बुक पढ़ने के बाद आपको ना प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आप प्रीवियस ईयर में भी अट्ठारह उन्नीस भी पढ़ने का जरूरत नहीं है सोलह भी पढ़ने का जरूरत नहीं है इक्कीस बाईस भी पढ़ने का जरूरत नहीं है तेईस भी पढ़ने का जरूरत नहीं है एनसीआर भी पढ़ने का जरूरत नहीं है एक्सपेक्टेड अगर आप चाहते हैं एक्सपेक्टेड हो तो वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं है टाइप वाइज आप इसके में दिया हुआ है चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है और ये टाइप वाइज और चैप्टर वाइज हम बैच लेकर आए हैं एक अगर आपको लगता है कि नहीं हम लूट रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो आप हमसे नहीं जुड़िए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको निन्यानवे रुपया पर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे निन्यानवे रुपया में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे निन्यानवे रुपया में हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और निन्यानवे रुपया में हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे अगर आपसे हो पाता है तो आप वेलकम टू द बैच है इतना पैसा हम आपसे लेंगे तभी हम आपको पढ़ाएंगे आप अलग अलग भी एडमिशन ले सकते हैं और तीनों मिला के लीजिएगा फिर भी कोई डिस्काउंट नहीं है दो सौ निन्यानवे रुपया आपको पे करना होगा तीनों मिलाकर अगर आप लीजिएगा तो दो सौ निन्यानवे रुपया आपको पे करना होगा ये सब्जेक्ट हम पूरा का पूरा बुक पढ़ा देंगे जो बच्चे पीडीएफ अगर आप ऑर्डर पीडीएफ प्रिंट निकालना चाहिएगा तो कम से कम आपको एक हजार रुपया लग जाएगा प्रिंट निकालने में हम आपको ये बुक जो है दे रहे हैं ये बुक अवेलेबल है मार्केट में आप ये ले लीजिए नहीं तो हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर भी और ऐप पर भी दे देंगे आप जहां से दिल करें वहां से पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं कहीं कोई समस्या नहीं है और ये क्लास आप कहिएगा कैसे मिलेगा आज से ये क्लास स्टार्ट हो गया है आप हमारा एक ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है आप कहिएगा हाँ, आप सर कोर्स बेच रहे हैं हम बेच रहे हैं एकदम हम बेच रहे हैं और हम निन्यानबे टका लेंगे तभी पढ़ाएंगे एक लाइन का बात कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है हम ही पैसा लेंगे तभी आपको पढ़ा पाएंगे तो मेरे दोस्त आस ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद जब पैनल खुलेगा तो यहाँ आप रेलवे एग्जाम में चले जाइए रेलवे एग्जाम में चले जाइए और रेलवे एग्जाम में क्लिक कर दीजिए और रेलवे एग्जाम में क्लिक करके आपको ये ब्रह्मास्त्र के नाम से फुल कोर्स दो में साइंस निन्यानवे मैथ निन्यानवे रीजनिंग निन्यानवे जो आपको दिल करे तीनों लीजिए दिल करे एक लीजिए जो दिल करता है वो आप ले सकते हैं आपकी सेवा में उपलब्ध है

सातों दिन ईच एंड एवरी डे ऑफ द वीक हम अवेलेबल हैं आपकी सेवा में और बहुत सारे मैराथन भी आगे आने वाला है इस क्लास के बीस के अलावे भी न्यूमेरिकल स्पेशल बहुत सारा मैराथन आएगा और ये बुक आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं रेलवे एग्जाम यहाँ जाएगा तो कोर्स मिल जाएगा <laughs> यहां पर बुक मिल जाएगा बुक से महंगा तो चला तुमको कोर्स से महंगा तुमको बुक पड़ जाएगा प्रिंट का जो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ना जो प्रिंटिंग कॉस्ट है बुक का उस उतना में हम लोग कोर्स दे दिए आप समझ लीजिए आप बाकी चला आपको जो सोचना है आप सोचिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां से आप बुक परचेज कीजिएगा तो खाली ध्यान रखिएगा बारह दिन से पहले बुक नहीं पहुंचेगा दूसरा अगर ये क्लास अभी फिर ग्यारह बजे से चलेगी एगारह से हम टाइम टेबल बता देते हैं दस पंद्रह से चलेगा दस बजकर पंद्रह मिनट से सुबह में साइंस कभी कभी बीस भी हो सकता है क्योंकि मेरा क्लास रहता है एगर पंद्रह से ग्यारह पंद्रह से ये आस ऑफिशियल ऐप पे अभी से चलेगा 15 से आपका चलेगा पंद्रह से, से आपका चलेगा रीजनिंग और बारह पंद्रह से चलेगा जिनका जो कोर्स में एडमिशन है बारह पंद्रह से आपका चलेगा मैथ देख लो ग्यारह दस पंद्रह से साइंस एगारह पंद्रह से रीजनिंग बारह पंद्रह से मैथ चलेगा और ये तीनों अब उन लोगों का भी हम डेमो क्लास अभी आप कहिएगा तो यूट्यूब पे अभी लगा देंगे जस्ट मेरे कटने के बाद उन्हीं का लाइव हो तो जाएगा एक क्लास आप करके देख लीजिए आज भर आज भर आप करके देख लीजिए अगर ठीक लगेगा तो एडमिशन लीजिएगा नहीं लगेगा तो मत लीजिएगा हमको कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है, हम आपको कह रहे हैं अपने से पढ़ लीजिए उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है बुक में सोल्यूशन भी दिया हुआ है आप अपने से भी पढ़ सकते हैं तो जिसको जो सब्जेक्ट दिल करें आप ले सकते हैं दस से ग्यारह ग्यारह से बारह बारह से एक में ये क्लास चलेगा डेली ऐप पर आस ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं चलेगा यूट्यूब पे तो आज सर्वर का प्रॉब्लम था इसलिए मजबूरी में हमको ऐप में ये डालना पड़ा और हम चला इसका निन्यानवे टका फीस लेंगे कोई जिस तुमको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो आई डोंट केयर अबाउट दैट हम ये फीस लेंगे तभी पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारा भी चला इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी चीजें हैं जो चलती है उसी से ढाई सौ लोगों को रोजगार मिला हुआ है उससे तो ऑब्वियस सी बात है जब तक हम पैसा लेंगे नहीं आपसे निन्यानवे टका भी आप नहीं दीजिएगा तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे

इसलिए चला कि हमारा सिस्टम इसी से चलता है थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल नमस्कार